इस तरह की ट्रोल का काम भाजपा का हर सदस्य करता है तो मोदी जी सदन नहीं चलने दे रहे थे क्योंकि दोस्त अदानी का नाम बार बार आ रहा था कांग्रेस को कितनी सीटें मिली मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है इनको सुनते हुए शर्म नहीं आएगी किसी जमाने में ये महिला अपने आप को पत्रकार कहती तो को थी अभी को कहिए चुप हो जाए पहले उनसे बीजेपी प्रवक्ता है इससे उलझ नहीं है क्या ये भाई नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आप देख रहे हैं दैट डिबेट शो so, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता संजू वर्मा और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुप्र सिद के बीच में सरकार के खिलाफ विपक्ष की चल रही तैयारियों को लेकर डिबेट थी जिसमें कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद दोनों महिलाओं के बीच तीखी बहस हो गई दोस्तों डिबेट बड़ी मज़ेदार होने वाली है आपसे उन्होदय अंत तक जरूर देखना अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं चलो भाई देखो सुप्रिया जी आप मेरे साथ है। आज मैंने अभी कुछ देर पहले अमित मालविया का ट्वीट देखा दो घंटे पहले उन्होंने बोला उन्होंने एक फोटो ट्वीट करी और ना जाने किस किस के सामने झुकना पड़ेगा नीतीश बाबू आपको क्या आपको लगता है कि सब लोग साथ आएंगे तो मोदी हार जाएंगे मुझे लगता है आपका एक नेशनल न्यूज नेटवर्क है आप एक नेशनल न्यूज एंकर है ये ट्रोलगिरी के काम है ये ट्रोल करते हैं दो रूपल्ली के ट्रोल नेताओं की फोटो ऐसे ट्वीट कर कर उस पर इस तरह की बातें लिखते हैं और खास तौर से वो नेता तब जब आप उनके साथ गठबंधन बनाने को बड़े लालयत ला रहे हो आपके साथ वो आए तो कृष्ण है अगर आपके विपरीत चले जाए तो वो पापी हो जाते हैं इस तरह की ट्रोल का, का काम भाजपा का हर सदस्य करता है तो आईटी सेल का जो न्यूज का फेक न्यूज का सरगना है वो कर रहा है तो उसमें क्या बात है मैं इस पर कॉमेंट भी नहीं करूंगी ये इनकी क्षुद्रता दिखाता है आपने कहा सब लोग आ सकते हैं अभी सदन खत्म हुआ है बजट सेशन अभी खत्म हुआ है अमीश जी जी और डंके की चोट पे कहती इंक्लूडिंग एनसीपी ने समूचे विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछा और आलम यह था कि 75 साल में पहली बार सत्ता पक्ष उतरकर बेल में सदन नहीं चलने दे रहा इतने घबराए इतने बौखलाए हुए थे ये लोग ये इनकी असलियत है चाहे वो अडानी का मामला हो चाहे वो बेरोजगारी हो चाहे वो महंगाई हो कोई भी मुद्दा हो मोदी जी सदन नहीं चलने दे रहे थे क्योंकि दोस्त अडानी का नाम बार बार आ रहा था जेपीसी गठित नहीं कर पा रहे थे समूचा विपक्ष एक साथ खड़ा था और तमाम तस्वीरें आपके सामने है। जी संजू वर्मा जवाब देंगे जी जी संजू संजू सं, वर्मा जी आ, जो अमित मालविया के बारे में टिप्पणी करी सुप्रिया जी ने वो भी सोशल मीडिया चेयरमैन हेड है और सुप्रिया जी भी है तो कि ट्रोल की तरह वो काम कर रहे हैं लेकिन विषय कोई ट्रोल है कि नहीं है वो नहीं है चर्चा मेरी इस विषय पर है कि क्या विपक्ष खड़ा होने का प्रयास कर रहा है तो ये आपके लिए चिंता की लकीरें हैं अमीश जी मैं हमेशा आंकड़ों के साथ बात करती हूं अभी आप उत्तर प्रदेश को चुनाव देखिए 2022 का इनको मात्र दो सीटें मिली इनका वोट शेयर था दो दशमलव तीन प्रतिशत और चुनाव के नतीजे आने से पहले कांग्रेस की यही प्रवक्ता और बड़े बड़े दिग्गज नेता कह रहे थे लड़की हूं लड़ सकती हूं यह नारे के साथ तो हम नरेंद्र मोदी की डबल इंजन योगी की सरकार का तहस नहस कर देंगे क्या हुआ कांग्रेस को दो सीटें मिली फिर इन्होंने कहा मणिपुर में पिछली पिछली बार बीजेपी ने हमसे मैंडेट चुराया था इस बार हम इनको मुंह की दिखाएंगे मणिपुर में क्या हुआ बीजेपी को बत्तीस सीटें मिली कांग्रेस वो तो कितनी सीटें मिली मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है इनको सुनते हुए शर्म नहीं आएगी पांच सीटें मिली और जहां बात ट्रोल की आती है सुप्रिया श्रीदेव की टाइमलाइन देखिए सारे नरेंद्र मोदी के जितने मंत्री हैं उनके टाइमलाइन पर जाकर उनको कहती है आप दो रुपए के ट्रोल हो आप चवन्नी के ट्रोल हो आप चरण चुंबक हो मुझे तो शर्म आती है कि, कि किसी जमाने में ये महिला अपने आप को पत्रकार कहती थी ना तो ये अच्छा पत्रकारिता कर पाई जब पत्रकार होने का ढोंग रचती थी ना आज पर्सनल पस्ट, क्यों, क्यों होना किसी के लिए प्रवक्ता बन पाई दो रुपए की ट्रोल बनकर रह गई है सुप्रिया श्रीनेत ये इनकी असलियत है ये इनका दुर्भाग्य है जी. ये इनकी चलिए उन्होंने उन्होंने आपके नेता को ट्रोल बोला आपने उनको ट्रोल बोल दिया मामले को यही खत्म करिए मेरा निवेदन है सोनिया गांधी आउट ऑन बेल पी चिदम्बरम आउट ऑन बेल अरे पूरी की पूरी पार्टी आउट ऑन बेल है, ठीक है आपको जी। शर्म नहीं आती है आप भ्रष्टाचार पर एक सेकंड संजू जी मेरा निवेदन स्वीकार करना पड़ेगा आपको।, आपको जब भी डिबेट में और मैं आशा करती हूं क्योंकि मैंने सारी अभद्रता शांति से सुनी इनके अंदर भी कलेजा होगा सुनने का जब भी डिबेट में कोई बदतमीजी करे कोई अभद्रता करे कोई आपको गलीच जर्नलिस्ट बुलाए और आपके मैसेजेस हैं मेरे पास ते हुए कि मुझे अपना आप 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 उनका फेडर डाउन करिए जितना वो पर्सनल हुई थी उतना मैं हो नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं इतनी गली छू नहीं जितनी ये है दो सवाल मैं आपके सामने रखती हूँ और फिर आप बोल दीजिएगा आज देश के सामने मुद्दा क्या है आज देश के सामने मुद्दा है बेरोजगारी आज देश के सामने मुद्दा है महंगाई आज देश के सामने मुद्दा है कि अडानी के इतने बड़े महा घोटाले पर प्रधानमंत्री चुप क्यों है प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पर किस मुंह से बोलते हैं आप अगर ये डाउन देवगन हुई नहीं, नहीं, क्यों है औरत भाई इसको बोलने का मौका मिलेगा ना क्यों बौखला रही है क्यों घबरा जाती है क्यों लपक लपक के बीच में बोलने पड़ती पता है इतने बड़े वाले शोज के अब टाइम नहीं मिलता आज मिल गया मैं एक ही बात आपसे पूछती हूँ इस देश का सुप्रीम कोर्ट सरकार को आईना दिखाता है और कहता है ये बंद सरकारें चलानी बंद करिए इस देश का सुप्रीम कोर्ट सरकार सरकार को आईना कहता है अगर नपुंसक ना हो तो हेट स्पीच ना बोली जाए इस देश का फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर कहता है हम छोटी अर्थव्यवस्था है बड़ी अर्थव्यवस्था से कैसे लड़ेंगे अरुणाचल हमारा नाम बदलता है अरुणाचल में आके चीन हमारा नाम बदलता है ये लोग इन लोगों की हैसियत है बात करने की एक बात नहीं कर पाते हर संजू वर्मा थर्टी सेकंडिया पं ओके ओके शाप थर्टी सेकेंड आपके शाप थर्टी अमीर जी अभी इस अभी इस अभद्र महिला को कहिए चुप हो जाए इस अभद्र महिला को कहिए चुप हो जाए यही नहीं अभी और सुनिए ऐतिहासिक दिन बता रहे थे ना राहुल गांधी तो राहुल गांधी को पूछना चाहिए था नीतिश जी से आज आपने जेपीसी पे समर्थन क्यों नहीं किया खुलेआम उन्होंने कहा था ये मामला तो कोर्ट में अब कोर्ट के मामले को हम थोड़ी ना देखते हैं ये बयान है उनका उस उससे राहुल गांधी ने नहीं पूछा शरद पवार ने बोला तो शरद पवार को आप नहीं आपने पूछे के लिए जेपीसी शुरुआत इन्होंने ट्रोल से की पहले उनसे बीजेपी प्रवक्ता से उलझी अब मुझसे उलझ नहीं है क्या ये भाई ये अपने आप को साबित क्या करना चाहती है कि कांग्रेस की उन प्रवक्ताओं में से है कि जब जाके बोलती है कांग्रेस के बहुत सारे वोट बढ़ जाते हैं एक लाख वोट पर डिबेट बढ़ता है इनके बोलने से तो ये बोलते रहे अच्छा है कैसी लगी मजा आया <laughs> दोस्तों एक कहावत है ईंट का जवाब पत्थर से देना बीजेपी की प्रवक्ता ने जिस प्रकार कांग्रेस की प्रवक्ता को जवाब दिया है वो कहावत आज की इस डिबेट पे बिल्कुल सटीक बैठती है दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताना वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम